हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ न्यू रिजल्ट्स आए हैं और इसके बाद न्यू वैकेंसीज हैं, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस का जो फाइनल सिलेक्शन है, कट ऑफ है, वो आ चुकी है। जनरल 57.60, एससी 51.40, बीसीए 53.80, बीसीबी 56.20, ESM जनरल 44, ESM SC 28, ESM BCA 23.40, 36, ESM BCB 44। तो साथियों, ये है हरियाणा पुलिस की कट ऑफ। जिन साथियों का चयन हुआ है उन सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी काम हुआ है। इसके बाद बात करते हैं रेलवे में 35,277 न्यू पोस्ट आई हैं। तो जो भी एलिजिबल साथी है वहाँ पर पोस्ट अप्लाई कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर करें। जो भी एलिजिबल साथी है, रेलवे की मेन वेबसाइट पे जाके आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन था सभी के माइंड में, क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि MCD PRT का जो केस चल रहा अभी, क्या कुछ हो सकता है। देखो साथियों, हमारी पहले भी उम्मीद ये थी कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ बदलाव हो, लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं सिस्टम इतना गंदा है कि कोई सोच ही नहीं रहा उसके बारे में। तो ये देख के बहुत दुख होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद यही है कि सारी चीज़ें अच्छी हों और हम कोशिश ये करेंगे कि न्यू रिक्रूटमेंट है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत खाली हैं दिल्ली के अंदर। और काफ़ी ऐसे साथी हैं जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं, उनका जज्बा देखने लायक है, वो अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो साथी अभी भी लगे हुए हैं। और उम्मीद ये है कि कुछ पॉजिटिव निकल के आए, तो न्यू वैकेंसीज के लिए जल्द ही कुछ स्टेप लिया जाएगा। तो आप हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज पास भी हुई है, काफ़ी लोगों का प्रमोशन भी हुआ है और TGT की काफ़ी वैकेंसीज आने का अनुमान था। जैसे मैंने आपको बताया था, वो DSSB बोर्ड जा चुकी हैं वैकेंसीज, अब पास होके कितने दिन में आती हैं ये एक देखने वाली बात होगी। और PRT की वैकेंसीज भी खाली हैं काफ़ी। तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं, फिर उसके बारे में स्टेप लिया जाएगा, फिर आप सभी लोग आगे आए। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।